2016 से मैं इस इंतजार में हूँ, अब मेरा दिन सुधरेगा, अब मेरा दिन सुधरेगा। देखते देखते 16 से 24 आ गया, अभी तक कुछ भी नहीं सुधरा। यहाँ तक कि सब चीज़ उलझते जा रहे हैं। सच में समझ में नहीं आता हमको कभी कभी। मालगाड़ी में क्यों आर्मी वाला सफर किया है बता। तो यहाँ पे खड़ा होके हम इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रेन का। मेरा ट्रेन इस साइड से आएगी और मेरे पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए हमको आज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ रहा है। ये दाऊदपुर का स्टेशन है, जो कि बहुत ही छोटा मोटा स्टेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। के बहुत दिन बाद कोयला वाला ट्रेन देखने को मिला है, इसको टेंशन हो गया है, बोल रहा है। तो डेली देखे देखे ले तो कहे हम लोग कॉल रे दीदी रे दीदी बोल रहे रे दीदी रे दीदी ब्लॉक चालू कर कोयला वाला ट्रेन जाती है। बहुत बदमाश भाई है मेरा, ये गोलू मोलू है। देखिए आज कुछ तो पैंट नहीं पहना है फ्रेंड। यहाँ पे चंपा हॉस्पिटल दिख रहा है और इधर से ये स्टेशन के बगल में उधर सड़क है जो कि जाती है छपड़ा, उधर उस साइड एक माँ सिवान। यहाँ से पटना भी, पटना के लिए भी बस उस रोड पे मिलती है, लेकिन बस से मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि गाड़ी लगते हैं हमको। तो फिर हम लोग उधर से इधर आ गए। देखिए हम लोग का तो देखो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई तो ट्रेन आ गई तो अब देखिए अब ट्रेन में बैठ के आप लोग को दिखाती हूँ। उसको टेंशन हो रहा है, देखो देख इतना ध्यान से देखो था। अब बारिश भी आ गई, भेज जेबो जेबो घर तो हमारा भेज ला सकते हैं मतलब तो देखिए ट्रेन मेरी आ गई, चलते हैं बैठे। देखिए हम ट्रेन में बैठ गए हैं और एक खिड़की को खड़ा है। प्रणाम कर लिया हमरा के ऊपर कौन काम बा ना कर लिया उधर दो ये अगला तरीका झूठ है। खुल गए बाय। उसके स्टेशन से ट्रेन खुल गई है। यही से हम लोग आए थे, पीछे जाना पड़ा निकल जाता उत्तर स्टेशन से। तो ये है छपड़ा स्टेशन पे पहुंचने वाली हूँ मैं। देखिए इधर से अभी ट्रैक्टर जा रही है, यहाँ ढाला है तो पता नहीं ढाला बंद किया था क्या होगा। पहुंच गया छपड़ा स्टेशन पे, लेकिन हमको तो यहाँ थोड़ी रुकना है,
को जाना है हाजीपुर स्टेशन पे। ट्रेन में बैठने के बाद पता है जल्दी रास्ता ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा ये होता है ना कि वीडियो बनाते रहते हैं तो मेरा थोड़ा सा सफ़र कट जाता है, कम लगता है। आप लोग मेरा सपोर्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नहीं तो मैं और ज़्यादा मतलब परेशान रहती। अभी थोड़ा सा लगता है एक्चुअली आप लोग तो है ना मेरे साथ, सब लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि हमको सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके समझाते भी रहते हैं। मैं बैठ गई हूँ और धीरे धीरे मेरा उदास बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे। यहाँ पे हरियाली देख के मेरा मन अधिक मतलब अच्छा लगा, तो सोचे कि थोड़ा सा ये यहाँ हरियाली में भी शूट कर लेते हैं। आप लोग को दिखाएंगे तो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बोलिए कुछ देखिए अभी हम लोग सोनपुर स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे इस आंटी से हम बात करते हुए आए हैं पूरा, क्या ना हम लोग बात करते हुए आए हैं ना पूरा ट्रेन में। इनको मुजफ्फरपुर जाना है और हमको जाना है हाजीपुर फिर अभी सोनपुर स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है ये बोल रही है मेरा फोटो अच्छा नहीं आ रहा, देखिए अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है दिखा देते हैं आपको जब ये आंटी मिल गई हमको थोड़ा सा सफ़र काटने में कम मुश्किल लगा, और हमको बस हम छुपा छुपा के रो रही थी कि कहीं कोई देखी नहीं। हमको ट्रेन में रोने में भी शर्म आ रहा था और मैं अंदर कर ली थी अपना फेस और उसके बाद रो रही थी। आंटी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कुछ सीखने को। ये देखिए ये है हाजीपुर का स्टेशन, तो सॉरी हाजीपुर का वो क्या बोलते हैं पुल जो गंगा माँ है वो दिख रही है, तो गंगा माँ का वीडियो आंटी शूट कर रही थी, तो हम पीछे हम भी थोड़ा सा क्यों नहीं कर लें क्योंकि हमको भी तो दिखाना आप लोगों को। अभी मैं आ गई हूँ हाजीपुर स्टेशन पर उतर गए, अभी जा रही ऑटो लेने के लिए। ऑटो में बैठ गई, बहुत लोग थे तो हाँ। तो फाइनली गाइज अभी रूम पे पहुँच चुके हैं, और रूम पे पहुँचने के बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा है, और फिर मन बेचैनी जैसा होता है कभी कभी, पता है लगता है लाइफ में क्या करें क्या नहीं, कैसे हर चीज़ सुधार दे समझ ही नहीं आता। फिर पता है मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का मेन मकसद यही है ना कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा हो जैसे भी चल रहा हो हर एक चीज़ आप लोग से शेयर करें, ताकि मेरा मन हल्का हो और आप लोग थोड़ा बहुत समझाते हैं या मतलब बोलते हैं तो अच्छा लगता है और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग से कि हाँ कमेंट करके बोलिएगा ये वो। और अभी पटना ही हूँ, समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई करूँ या पार्लर करूँ या यूट्यूब देखूँ, मतलब इतना चक्रव्यूह में मैं फंस गई हूँ। उधर मेरा बच्चा है वो अलग ही परेशान कर रहा है, माँ घर आ जाओ, अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, सच में बोल रहे हैं इतना उलझन में फंस गया ना, कभी कभी दिमाग मतलब ना मेरा काम ही करना बंद कर देता है कि हम करें क्या करें। मैं तो क्या बोलूँ, समझ में ही नहीं आता है क्या बोलूँ और कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ क्या करूँ, समझ नहीं पाती हूँ। पता नहीं मेरा ज़िंदगी किस मोड पे आके खड़ा हो गया है। सोचती हूँ कि अब मेरा लाइफ में मतलब अब यहीं पे मतलब
सच में मैं तरस गई हूँ इस चीज के लिए ना कि या बस या मतलब यहाँ यही रुकना है, यही करना है। साला पता है 2016 से मैं इस इंतजार में हूँ, अब मेरा दिन सुधरेगा, अब मेरा दिन सुधरेगा। देखते देखते 16 से 24 आ गया, अभी तक कुछ भी नहीं सुधरा। यहाँ तक कि सब चीज़ उलझते जा रहे हैं। सच में समझ में नहीं आता हमको कभी कभी कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बोलने का मन नहीं कर रहा अब तो, बस यही रूम पे आ गई हूँ और आने के बाद ये दिमाग में चल रहा है क्या करूँ। कभी कभी मेरा सर इतना ज़्यादा पटने लगता है ना टेंशन से, समझ में नहीं आता है क्या करें। छोड़िए फिर क्या ही बोलूँ, मेरी जिंदगी में ना इतना कष्ट नहीं था जितना अभी हो गया। पता नहीं किस मोड़ पे आगे खड़ी हो गई हूँ, मेरा मंजिल ही नहीं मिल रहा है। सोचती हूँ यूट्यूब हो जाएगा तो मेरा मतलब एक हो जाएगा इनकम, वो भी नहीं होता है। पढ़ाई कि 3 साल मतलब मैं इतना चीजन लगा के पढ़ाई की थी, समझ रही हूँ। मैं तो किसी को सफाई भी देना नहीं चाहती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ी थी, पढ़ाई में कितना मेहनत की थी और मैं क्या थी जब नहीं पढ़ रही थी उसके पहले, और कितना पढ़ी थी वो मैं समझ सकती हूँ, और कितना पढ़ने के बाद फिर एग्ज़ाम नहीं निकला मेरा वो अलग ही टेंशन। फिर पार्लर सीख रही हूँ, फिर क्या करूँ हम, क्या करें समझ में नहीं आ रहा किसी का जिंदगी इतना उलझा हुआ क्यों रहता है। मैं भगवान से ये बोलती हूँ ना, भगवान जिंदगी में किसी को हर चीज करे लेकिन ना कभी उसके हस्बैंड से अलग नहीं करे। ठीक पता है हस्बैंड की कमी को कोई पूरा नहीं करता है। शादी के बाद ऐसा लगता है कि मैके में भी इंसान कितना दिन तक रहेगा। ससुराल में रहने पे अच्छा लगता है लेकिन छोड़िए क्या ही बोलूं। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले खराब हैं, सब लोग सही हैं, सब लोग ठीक हैं, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना वो मैं और किसी से नहीं शेयर कर सकती हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। कितना पक्का हुआ आप लोग, जो झेलना चाहिए जिंदगी में ना, जिंदगी में जो अकेला रहना सीख गया ना उनको लगता है ना वो हर चीज़ हासिल कर सकता है, वही नहीं होता है मेरे से। वो चीज़ में जिस दिन सीख गई ना सच में मैं बहुत सुधर जाऊँगी, मैं बहुत कुछ कर लूँगी, लेकिन वो इससे ना मेरे तो नहीं होगा। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट सबको। पहले अपना नाइट कितना भी बैड हो लेकिन सबको गुड नाइट, मेरे जैसे ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे, मैं तो यही बोलती हूँ। ना तो अपना बच्चा को ढंग से टाइम दे पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। बाय।